यहाँ पर थ्रॉटल के पास एक की लगती है, इसको डाला एंड थ्रॉटल ऑन किया। फिर आप यहाँ डिस्प्ले पे आएंगे, ऊपर आपको यहाँ पर बटन दिख जाता है आपका डिस्प्ले ऑन हो गया। इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप तो सीन दिस ब्रांड अलॉट स्पेशली सोशल मीडिया पर, जब भी कस्टमर इसकी फोटो शेयर करते रहते हैं, देन मैं एक और चीज नोटिस करी कि सौरभ जोशी जो है उसका छोटा भाई भी यही ब्रांड ओन करता है, दैट इज 91। सो मैंने सोचा इसी ब्रांड की एक बाइसिकल का रिव्यू करा जाए, एंड व्हाट्स बेटर देन एन ई बाइक। सो दिस इज 91 मेराकी अल्ट्रा 27.5। इट्स एन ई बाइक जो कि आपकी ड्यूअल पर्पज बाइक होती है, आप इसको रेगुलर साइकिलिंग के भी यूज कर सकते हैं, एंड अगर आपका मन करे तो आप इससे कम्यूट भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं। सम लोग ग्रुप राइड के लिए जा रहे हैं तो आप पेडल करके जा सकते हैं, एंड वापसी आते हो इसकी इलेक्ट्रिक पावर ऑन करके वापस इजिली भी आ सकते हैं जब आपकी धूप बहुत ज्यादा होती है। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस बाइसाइकिल। इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है जो कि आपकी इंटीग्रेटेड होती है फ्रेम के अंदर। इसमें आपको थ्रॉटल का ऑप्शन मिलता है, एक की मिलती है, पीछे आपको मोटर भी मिल जाती है, एंड इवन पेडल असिस्ट का भी आपको फंक्शन मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूं इस बैटरी को आपको रिमूव कैसे करना है। आपको यहां से की निकालती है थ्रॉटल से, एंड यहां बैटरी के अंदर डाल देनी है, एंड इसको जैसे आप ट्विस्ट करेंगे ये बाहर आ जाती है। नाउ दिस इज हाउ द बैटरी लुक्स, एंड काफी ज्यादा मुझे मॉडर्न लगी, एंड इवन मैंने अंदर नोटिस करा तो यहां पे मेक इन इंडिया का भी लोगो था, सो आई गेस दिस इज असेंबल्ड इन इंडिया बाइसाइकिल। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको वापस कैसे लगाना है। ऐसे करके आपको इसको इंसर्ट करना है, एंड ये ऑटो लॉक हो जाती है, दैट्स इट। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं टर्न ऑन कैसे करनी है बाइसाइकिल। यहां पर थ्रॉटल के पास एक की लगती है, इसको डाला एंड थ्रॉटल ऑन किया। फिर आप यहाँ डिस्प्ले पे आएंगे, ऊपर आपको एक यहाँ पर बटन दिख जाता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको आपको 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, 1 एंड 2, ये आपका डिस्प्ले ऑन हो गया। इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दो बटन होते हैं, एक प्लस एंड एक माइनस का, ये आपके पेडल असिस्ट मोड होते हैं, तो इसमें प्लस करूंगा, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, कुछ भी रख लो, आपके यहाँ पे जो थ्रॉटल होता है वो पूरा चलेगा। जो आपके यहाँ पे मोड होते हैं ये आपके पेडल असिस्ट को डिसाइड करते हैं, एंड जैसे मैंने सारी सेटिंग कर ली है तो इसको मैं रेस दूंगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। एंड समझ लो अगर मैं ऐसे पेडल असिस्ट यूज कर रहा हूँ, ये देखो अपना चलने स्टार्ट हो गई है, एंड बंद हो गई। जैसे आप बैटरी को रिमूव करते हैं अपने घर के अंदर इसको भी चार्ज कर सकते हैं, एंड अपनी बाइसाइकिल के अंदर लगे लगे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या फिर आप कोई ऑफिस में रहते हैं तो वहां पर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑन द बैटरी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फुल चार्ज हुई है या सेमी चार्ज हुई है। Now how to turn on the headlight? इसमें आपको यहाँ नीचे एक बटन मिल जाता है, इसको आप प्रेस करते हैं 2 सेकंड्स के लिए तो आपकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है, एंड डिस्प्ले भी दिख जाता है। There's also in cruise mode, उसको भी ऑन करने के लिए आपको एक बटन होल्ड करना पड़ता है नीचे की तरफ, एंड आपकी जो बाइसाइकिल है वो क्लोज टू 5 to 6 km/h पे चलने स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर जब मैंने इसको ऑन किया तो मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी इसको ऑन करने में, बाकी सारी चीजें आपको डिसएडवांटेजेस में बता दूंगा। अगर हम इसे गियर्स की बात करेंगे, इसमें आपको सामने 7-speed शिमानो गियर्स मिल जाते हैं, एंड अगर पीछे डिरेर नोटिस करेंगे दिस इज शिमानो असेरा। नाउ मैं रैंकिंग बता देता हूँ असेरा की, सबसे पहले टीजर आता है, फिर टूनी आता है, फिर जाके आपका एल्टस आता है, एंड जाके असेरा आता है, तो हायरार्की में काफी ज्यादा हाई है, एंड आई थिंक दिस इज डेफिनेट एन ओवरकिल फॉर दिस बाइसाइकिल। नाउ ओवरकिल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसमें पीछे ऑलरेडी मोटर आती है, तो उसमें आपको इतना हेवी डिरेलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब भी आपको कंपनी ने अपग्रेडेड डिरेलर दिया है। नाउ जो बाइसाइकिल थी मेरे पास घर पे आई थी, असेंबल हुई थी, इसमें आपको दो फीचर्स मिल जाते हैं। 91 केएस जो होता है वो आपका अराउंड 600 रुपीस का आता है, तो उस पर घर आपके बंदा आता है डोर स्टेप पे, उसके असेंबलिंग करके आपको घर पे ही देता है, तो आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 91 विज आई गेस अभी के लिए तो फ्री है, तो इसमें आपको वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपको एक्सपर्ट से कोई भी इशू आता है अपनी बाइसाइकिल में, या फिर असेंबलिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा भी कोई चीज़ें जाननी है। तो नॉलेज स्टॉक को बताऊँ मोटर कौन सी मिलती है, कितने वॉटेज की है, कितनी एम्पियर की बैटरी है, कितना चार्ज करने में कितना चलेगी। सो अगर आप नोटिस करेंगे इसमें जो रेंज दी गई है कंपनी की क्लेम, दैट इज 27 to 50 किलोमीटर। आई गेस 27 तब होगी जब थ्रॉटल चलाएंगे, एंड 50 तब जब पेडल असिस्ट में चलाएंगे। जिसमें जो बैटरी है दैट इज फ्रॉम पैनासोनिक, एंड इसकी 9.54 एएच की बैटरी आपको मिल जाती है, जिसमें आपको 2000 साइकिल्स चलती है, मतलब इतने आप चार्ज कर सकते हो। जनरली जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज 4 to 5 years आपकी बैटरी इजीली खींच जाएगी। इवन देयर इज 2 year वारंटी ऑन द मोटर एंड ऑल्सो द बैटरी, एंड आपको 1 year की वारंटी मिल जाती है ऑन द डिस्प्ले सेंसर एंड द वायरिंग। जो सस्पेंशन है उसमें 80mm का आपको ट्रैवल मिल जाता है, जिसके टायर्स आर दिस फ्रॉम हार्टेक्स, एंड इसमें 2.1 inch का आपको विड्थ मिलती है, जिसमें आपको 60 TPI का टायर मिल जाता है। बेसिकली इसमें बेटर टायर होते हैं ये। द वेट ऑफ द बाइसाइकिल इज मेंशन एज 21.3 kgs, लेकिन जब मैंने अपने टेस्ट में करा था तो क्लोज टू आई गेस 22 kgs आ रही थी। मैंने बाथरूम स्केल से किया था इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा था।
बिफोर आई टेल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द बाइसाइकिल, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो मेरी पुरानी मेराकी आई थी, मैंने एक नेगेटिव पॉइंट बताया था उसमें कि आपकी जो ऐसे थ्रॉटल दबाते हैं उसमें 1 to 2 seconds का डिले आता है। इस बाइसाइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप थ्रॉटल दबाएंगे उसी टाइम में बाइसाइकिल चल जाती है। इसमें हार्टेक्स के टायर आपको मिल जाते हैं। आई गेस ये जो इंडियन असेंबल्ड बाइसाइकिल होती है सब में हार्टेक्स के टायर ही आते हैं। एंड इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके जो थ्रेड्स हैं दीज आर हाइब्रिड थ्रेड्स, दीज आर इजी ऑन द रोड एंड शायद इसकी वजह से इसकी जो माइलेज है वो भी ज़्यादा ही आती है। इससे जो ट्रिप सेंसर है इसमें आपको एवरेज मिल जाता है, आपकी बाइसाइकिल कितनी चली है, सारी एवरेज कितनी आई है, सारी आपको मेट्रिक्स यहीं पर मिल जाती है। इसकी जो सीट थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगी, स्पेशली जो रेसिंग बाइसाइकिल्स में आती है। देन इसमें जो पेडल असिस्ट का मोड है वहाँ पर मैंने नोटिस करा कि वहाँ पर सेंसर मुझे मिले ही नहीं। मे बी ये जो क्रैंक है इसके अंदर ही इंडिकेटेड है। एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इस बाइसाइकिल में, जिसको आप थ्रॉटल कट कहते हैं, स्पेशली विद द पेडल असिस्ट थिंग, इसमें आपको थ्रॉटल कट मिलना ही चाहिए। जिस बाइसाइकिल में नहीं होता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नाउ ऐसी काफी चीजें थी जो इस बाइसाइकिल मुझे हाई क्वालिटी लगी। स्पेशली अगर यहाँ पे देखेंगे सीट क्लैंप जो होता है वो काफी हाई क्वालिटी का था, पोस्ट था वो देसी वाला नहीं दिया गया था, उसमें भी आपको एलन की वाला सीट पोस्ट दिया गया है। अगर आप सामने नोटिस करेंगे जो आपको हैंडल बार है दैट इज ऑल्सो एलॉय। एंड जो बाइसाइकिल की ब्रेक्स हैं उनपे अलग से ग्रिप दी गई है, मतलब कोई भी वेदर में चला लो आपके हैंड जो होते हैं वो स्लिप नहीं करेंगे एंड कंफर्टेबल भी काफी ज्यादा रहता है। इस बाइसाइकिल में भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट पे देखा तो एक ये वाला जो ऑप्शन था दैट इज मैट ब्लैक, एंड एक और था जिसमें आपको येलो एंड ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। सब कमेंट करके बता सकते हैं ये दोनों कलर्स आपको कैसे लगे। There's also a quick release in this bicycle, तो आप फ्रंट का टायर खोल सकते हैं एंड अपनी गाड़ी में इजिली साइकिल डाल सकते हैं। सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हो, इस साइकिल को गाड़ी के अंदर रख के जाओ, बैक सीट पे ही रख लो। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, लिंक कर दूंगा नीचे। वहाँ पे हमने गाड़ी बहुत ही दूर पार्क करी एंड शॉपिंग करने चला गया। As you know, this channel is good only because it is unbiased. And मैं इस बाइसाइकिल की आपको डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्रूज मोड मिल जाता है जिसको आप अपडेट करते हैं होल्ड करके, एंड आपकी बाइसाइकिल जो है वो स्टैंडिंग स्पीड में चलने लग जाती है। मैं ई बाइक 6 या 7 साल से चला रहा हूँ एंड मैंने अभी तक ये वाला मोड यूज नहीं करा है, बिकॉज में बटन होल्ड करके रखना पड़ता है एंड थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। एक चीज बेटर रहती है अगर आप होल्ड करके या तो ऑन करके छोड़ देते हो उसको, वो बेटर रहता। इसका सब्सटीट्यूट यही है, आप थ्रॉटल को थोड़ा सा दबा के रखोगे आपकी उतनी स्पीड पे बाइसाइकिल चलती रहती है। नाउ मैंने नोटिस किया था जो इसके थ्रॉटल की की है एंड जो आपकी बैटरी रिमूव करने की है वो अलग है। बेटर ये रहता कि दोनों सेम होती, क्योंकि आपको हमेशा 2 keys कैरी करने की जरूरत पड़ती है। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि इस बाइसाइकिल को टर्न ऑन करने के काफी स्टेप लगते हैं। पहले आप की डाल के इसको ऑन करो, फिर आप बैटरी डिस्प्ले पे जाओ, यहाँ पे 2 seconds फिर इसको होल्ड करो, फिर आप प्लस दबाओ पेडल असिस्ट मोड को, तब जाके ये ऑन होती है। तो अगर थोड़े से कम स्टेप होते तो ज्यादा बेटर है, लेकिन वही वाली बात है इसके सिक्योरिटी फीचर भी, कोई भी अननोन बंदा आपकी बाइसाइकिल स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द सीरीज जिसमें बाइसाइकिल की रियल लाइफ टेस्टिंग करता हूँ। आप देखो जो नॉर्मल बाइसाइकिल होती है उसमें ब्रेक टेस्ट करता हूँ कि कितनी पावरफुल उनकी ब्रेक्स हैं, एंड इस वाली सीरीज में ब्रेक तो टेस्ट करेंगे लेकिन अब 0 to 25 हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गार्बन लगाया हुआ है, बिकॉज मैं इसकी एक्यूरेसी लूंगा, बिकॉज मल्टीपल बाइसाइकिल्स होंगी फ्यूचर में। सो हम जाएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे एंड देखेंगे 25 तक जाने में हमें कितना टाइम लगता है। 2 1 स्टार्ट गो। आई गेस 25 हो गया, ये नहीं हुआ नहीं क्या, फेल टेस्ट फिर से करना पड़ेगा। मैं 25 पे गया ही नहीं, डर गया। एंड दिस इज टेस्ट नंबर 2। 2 1 स्टार्ट। 24 25। आई गेस ये इसी को मान लेते हैं भाई, हमारा कितना है 12.59 सेकंड, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ, बाद में सेव करूँगा। अब इसकी ब्रेकिंग टेस्ट हम करेंगे। 25 ओके भाई, पक्का गिरने के चांसेस है मेरे। तो ये दिस इज 3.57 meters, तो अब एक बार रेफरेंस के लिए उठा देते हैं। सो अगर अभी पुराना डेट देखें KTM की शिकागो जो इसी कंपनी की है उसकी आई थी 20 में 1.8 meter एंड 91 की आई 3.57 meter, एंड दिस इज डेफिनेटली लॉन्ग बिकॉज के बाइसाइकिल का वो भी ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, वेट भी ज़्यादा है, एंड दूसरा ब्रेक आएगा स्ट्राइट नहीं है इतनी। नाउ एक और टेस्ट हम करेंगे जो कि थोड़ा सा अलग सा है, इसको कहते हैं बर्नआउट टेस्ट। ई बाइक में आपको पता होगा बर्नआउट इजीली लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रेस देंगे आप ब्रेक दबा के बर्नआउट करते हैं तो रेस ही बंद हो जाती है। ये फ्रंट ब्रेक है ना, ये ऐसे करके ऐसे निकाल दो, अभी टाइट होगी ब्रेक्स एंड अब बर्नआउट मारो। ओके 3 2 1 जब धुआं निकले बताइयो। क्या बात कर रहा है, ओ भाई 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 भाई, हीटअप इतना हुआ नहीं लेकिन ठीक है, थोड़ा तो बर्नआउट लगाई। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइसाइकिल जो आप स्पोर्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिटनेस के लिए एंड अपने कम्यूट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी इस बाइसाइकिल की जो आपको लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड नीचे आपको मैं कूपन कोड भी दे दूंगा, जिससे अगर आपको अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको फ्री एक्सेसरीज मिल जाएंगी। दिस वीडियो गाइस, दिस फैट बाइक वेब ऑफ साइनिंग ऑफ। नाउ टर्न ऑन द हेडलाइट। ओ भाई पीछे गई है, नहीं ऑफ है, वो स्टैंड में लगी हुई थी। बिफोर टेल यू द डिसएडवांटेजेस मैं टॉक करता हूँ कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। नाउ बिफोर बात कर रहा हूँ। अरे महेश भाई कैसे हो,
बहुत बहुत कम दिखते हो आजकल यहाँ पर। कह रहे क्या करे। सो बेसिकली वी आर टेस्टिंग दी बाइसाइकिल, इसमें हम ड्रैग रेस कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन के पास भी ई बाइक है एंड मेरे पास भी ई बाइक है। तो 3, 2, 1 गो विदाउट पेडल। ओ भाई इधर दिखा कैमरा, कहाँ कहाँ पहुंच गया। ओ डैम क्या हो गया। ये फुल थ्रॉटल था तेरा भाई। इसकी ये बहुत ज़्यादा टॉर्क है इसमें, और मेरे को लगता है हाँ इसकी जो मोटर है ना वो स्पीड के लिए ज़्यादा बनी है एंड उसके लिए कम बनी है। मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है कि भाई 25 तक मैं रुक जाऊँगी, इसके बाद तुम जितना भगाना है नहीं भगा सकते। अगर रिस्ट्रिक्शन हट गई ना भाई जो भागेगी बस एक